पहली खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर विधानमंडल में बजट सत्र के पहले दिन दोनों ही सदनों में खासा अवरोध हुआ। कानून व्यवस्था और बिजली संकट को लेकर विपक्ष के शोर शराबे के चलते ज्यादा कामकाज नहीं हो पाया और कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद का बजट सत्र आज शुरू हुआ। विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही बीएसपी सदस्यों ने राज्य की समाजवादी सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। ये सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। विधानसभा अध्यक्ष नारे लगा रहे सदस्यों से कार्यवाही चलने देने का आग्रह करते रहे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अवरोध जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12:20 तक के लिए स्थगित कर दी गई और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। दोबारा सदन शुरू होते ही विरोध फिर शुरू हुआ। इस बार कांग्रेस सदस्यों ने भी सरकार का जमकर विरोध किया। बीजेपी विधायक आसन की तरफ बढ़े और उनकी मार्शलों से झड़पें भी हुई। इससे पहले बीजेपी सदस्य विधानसभा की दीर्घा में बैठ गए और अध्यक्ष का रास्ता रोका। उत्तर प्रदेश सरकार की विफलताओं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे गन्ना किसानों के भुगतान न होने की समस्या हो, चाहे बिजली का संकट हो और चाहे युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित न होने का मामला सहित अन्य सभी मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी सदन में प्रभावी ढंग से उठाएगी। सपा की सरकार जो ये कहती थी कि हम किसानों की सरकार हैं, वो सरकार का मुखौटा आप लोगों के सामने पेश हो चुका कि जो गन्ने का पेमेंट ना दिला सके सरकार, वो किसानों की सरकार नहीं हो सकती। दूसरी ओर अवरोध के चलते विधान परिषद में भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। बीएसपी ने कानून व्यवस्था, बिजली संकट और किसानों के मुद्दे पर सदन के बाकी काम रोककर चर्चा कराए जाने की मांग की। सदन की सारी कार्यवाही रोक करके जो प्रदेश में जंगल राज कायम है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, तो सारी कार्रवाई रोक करके चर्चा कराई जाए, जिसके लिए अखिलेश सरकार तैयार नहीं हुई। विपक्ष का आरोप है कि हाल के दिनों में प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। बदायूं में दो बहनों से दुष्कर्म और उनकी हत्या के मामले पर काफी चर्चा हुई है। इस मामले की सीबीआई जांच भी शुरू हो चुकी है। 4 मई को मुजफ्फरनगर जिले के दुल्हेरा गांव में भी एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। 4 मई को ही मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग से बलात्कार की घटना हुई। इसी तरह देवरिया जिले में 5 मई को एक पति पत्नी के शव पेड़ से लटके मिले। ताजा मामला फिरोजाबाद का है, जहां लूटपाट कर भाग रहे बदमाशों ने 2 पुलिस वालों को ही मार डाला। पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे, माफिया, अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहां तक कि कानून के रखवालों को भी वो बख्शने वाले नहीं हैं। रोजाना प्रत्येक जिले में 2-3 बलात्कार की घटनाएं आम हो गई हैं। सत्र के पहले दिन के हालात के बाद ये माना जा रहा है कि अवरोध खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री जल्द ही बाकी दलों के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं और विधानसभा के सत्र के पहले दिन जो कुछ दिखा, वो पहले से इसका अंदेशा सभी को था। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह के माहौल में विधानसभा का सत्र आगे बढ़ेगा कैसे और तमाम विधायी कार्य क्या होंगे, सरकार की रणनीति क्या है, विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश में है, उस पर भी करेंगे खास चर्चा। तो कई खास मेहमान हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में, उनका परिचय करा दूं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी के नेता और प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री जी हैं, बहुत स्वागत है विजय जी आपका। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरविंद कुमार सिंह मौजूद हैं। अरविंद जी, आपका भी स्वागत है। और हम कोशिश करेंगे बीएसपी और समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधियों से उनकी राय जानने की। लेकिन शुरुआत में करना चाहूंगा शास्त्री जी आपसे, जिस तरीके का रुख बीजेपी का दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, आज पूरी तरीके से आक्रामक, भले ही संख्या बल कुछ कम हो, क्योंकि कई सारे आपके विधायक सांसद बन गए, 36 रह गई है संख्या, तो क्या रणनीति है इस सत्र में? क्या ये माना जाए कि दबाव डालकर सरकार को घुटने के बल करने की कोशिश होगी, या फिर एक अंदेशा ये भी कहा जा रहा है कि पूरे माहौल का फायदा उठाते हुए चुनाव जल्द कराने के तमाम विकल्पों पर भी विचार होगा? देखिए, निस्संदेह उत्तर प्रदेश की हालत तो बहुत ख़राब है। जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, अपराध का जो ग्राफ बढ़ा है, इस सब को देखते हुए केवल हमारा ये उद्देश्य है कि हम जनता के बीच में ये संदेश दे सके कि उत्तर प्रदेश की सरकार असफल है, नाकामयाब है, और अगर सरकार चाहती तो इतना क्राइम और ये अपराध ये सब को रोका जा सकता था। इससे ज़्यादा हम लोगों का कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग करें। उत्तर प्रदेश की सच्चाई हम लोग मीडिया के माध्यम से जनता के सामने लाने का एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो बयान आया है सरकार की ओर से कुछ देर पहले, उसमें कहा गया कि बीएसपी और बीजेपी
जो सकारात्मक पक्ष की भूमिका है उसे नहीं निभा रही, सिर्फ प्रोपगंडा कर रही है। नहीं देखिए, सच्चाई तो ये है कि जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, अपराधियों के मनोबल बढ़े हैं, और किस कदर बढ़े हैं इसको पूरा देश देख रहा है। देश ही नहीं बल्कि इसकी चर्चा दुनिया में भी हो रही है, अमेरिका में भी, यूएनओ में भी इसकी चर्चा हुई है। हमारा केवल इतना कहना है कि सरकार एक छोटा सा भी संदेश इस प्रकार का नहीं दे सकी कि अपराधियों का या अराजक तत्वों का मनोबल उससे गिर सके। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको कि अब जनता और राजनीतिक क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं वो भी समझने लगे हैं। सिंह साहब, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में हालात अचानक इस तरह से हुए हैं, या फिर ये कहा जाए कि अचानक इनमें प्रमुखता दिखी है मीडिया के जरिए, या फिर कहा जाए कि कुछ कार्यशैली ऐसी रही थी, कुछ बयान या फिर जो कुछ कदम जिन्होंने सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया? नहीं, ये कहना कि मीडिया ने अचानक किया है ये गलत होगा, क्योंकि सरकार कई बार बयान देती रही है सत्ता लगातार, और यही सत्ता नहीं, कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी उसने भी कहा। मुझे कोई ताजुब नहीं होगा अगर बीजेपी की सरकार भी यही कहने लगे कुछ दिन बाद, लेकिन ये मीडिया का काम है, वो कहती रहेगी। यहाँ पे ये हुआ है कि नेचर ऑफ क्राइम डिटरमाइन करता है कि पब्लिक आउटक्राई, पब्लिक का आक्रोश कितना बढ़ता है। एक क्राइम से आपके पूरे देश में उद्वेलन हो सकता है, और बाकी क्राइम जो नॉर्मल होते हैं, जैसे जो बदायूं में हुआ वो ये दिखा रहा था कि नहीं, बीमार है पूरा स्टेटक्राफ्ट। अगर दो एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग थाने जाते हैं, दो लड़कियों को बलात्कार किया जाता है, और हिमाकत ये कि बलात्कार के साथ उनको टांग दिया जाता है, और जब थाने जाते हैं तो उसका आंसर जवाब कुछ और होता है, क्योंकि वहां भी वही उसी कास्ट के बैठे हैं, तब ये लगता है कि रॉन्ग सेंस ऑफ एम्पावरमेंट कहीं आ गई है। तो ऐसे माहौल में मीडिया, नेचुरली मीडिया का रोल होता है, वो करती है। जहां तक आपने बीजेपी का सवाल किया, बीजेपी का कॉन्स्ट्रक्टिव, ये बड़ा अजीब सा मिसनॉमर है कि आप जब चीजें आपके खिलाफ होती हो, आप कहते साहब अपोजिशन कॉन्स्ट्रक्टिव रोल नहीं प्ले कर रहा है, मतलब कि अगर बलात्कार हो तो बीजेपी चुप बैठ जाए, ये कौन सी लॉजिक हुई? अब बीजेपी की मजबूरी यह है कि चूंकि वहां असेंबली में सिर्फ 36 लोग रह गए हैं, तो अब मजबूरी है कि सड़कों पे आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, तो इसलिए बीजेपी सड़कों पे ये चीज कर रही है। और किसी भी एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी में ये पहली शर्त होती है कि आप एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी में चीजों को सत्ता अगर नहीं कर रही है तो आप जनता के सामने ले जाए। मीडिया भी यही करती है, पॉलिटिकल क्लास भी यही करता है। बीएसपी के नेता हमारे साथ संग्राम यादव इस वक्त जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर, जो कि विधायक हैं। संग्राम जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से पहला दिन दिखा है विधानसभा सत्र का, और आपकी पार्टी सीधे तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, यहाँ तक कि चर्चा है कि बर्खास्तगी की मांग पर आप लोग कर रहे हैं, क्या आगे का रुख होगा, और क्या आपको लगता है कि इस पूरे रवैये के बीच जो सरकार कह रही है, एसपी सरकार, कि सही विपक्ष की भूमिका आप नहीं निभा रहे हैं, क्या कहेंगे इसका जवाब? देखिए, लगातार जब से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बागडोर संभाली है, लगातार जनहित के सवाल को माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी हल करने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं चला करके उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के भी उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक माहौल बना करके, जनता के सही सवाल पर राजनीति ना करके, कुछ ऐसे मनगढ़ंत मुद्दे उठा करके लगातार अनर्गल प्रलाप करके सरकार के खिलाफ प्रचार करने में लगी है। संग्राम जी, आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल आरोप है, लेकिन क्या क्राइम की स्थिति छुपी है पिछले कुछ महीनों में? क्या बिजली संकट किसी से छुपा है? क्या ये वाकई ये हकीकत से दूर है, यथार्थ से दूर की बातें हैं? आप जहां से बोल रहे हैं दिल्ली के अंतर्गत जी, अभी एक ट्रैफिक पुलिस को गाड़ी में घसीट करके उसकी हत्या कर दी गई, देश की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी का चित्र पूरे देश के अंदर एक दिन के बाद। कभी भी उस पे ना तो किसी स्टूडियो में बहस हुई और ना ही वो लगातार मीडियो में चला। आपके केंद्रीय मंत्री के ऊपर भी सवाल खड़ा हुआ है। तो आप तो इस बात को बताएं कि दिल्ली के अंदर और वहां पर दिल्ली की सड़क पर एक कांस्टेबल जो ट्रैफिक सिपाही है उसको लोगों ने अपनी धक्का पीछे मार करके, धक्का मार के गिरा करके पुनः
उसको गाड़ियों में घसीटा, तब तक घसीटा जब अपनी दम नहीं तोड़ दिया। संग्राम जी दो बातें, आप पहला ये कह रहे हैं कि मीडिया में सिर्फ आपके राज्य को लेकर चर्चा है, सिर्फ जो नेगेटिव खबरें आ रही हैं, बाकी की चर्चा नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है। दूसरी बात ये कि क्या दूसरे राज्य की चर्चा होगी तो आपके राज्य का क्राइम या आपके राज्य में हुई गलतियां वो छोटी मान ली जाए, उन्हें खत्म मान लिया जाए। अभी एक बहुत बड़ी अभिनेत्री ने किसी एक उद्योगपति के ऊपर भी आरोप लगाया। संग्राम जी वो उन सब पर अलग से चर्चा होगी, मेरा सीधा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से एक रास्ता निकलेगा अपराध को रोकने के लिए, जो तैयार किया गया फॉर्मूला वो क्यों असफल हुआ? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, पूरे देश का आप आकलन करेंगे तो उसमें सबसे कम क्राइम उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं वो लगातार साजिश के तहत उत्तर प्रदेश को जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको दबा करके गुमराह करके वो एक नया रास्ता बनाना चाहते हैं। आप हमारे साथ संग्राम जी फोन लाइन पर रहिएगा, क्योंकि कई सारे सवालों के जवाब आपने दिए लेकिन आरोप भी लगाए। अरविंद जी हमारे बड़े सहयोगी, अरविंद जी जो कि खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं। अरविंद जी दो बातें जो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी का ये आरोप है सीधे तौर पर कि विपक्ष गलत मुद्दों को उठा रहा है और मीडिया उनकी तरफ गलत योजनाओं को लेकर फोकस कर रहा है, अब सिर्फ अपराधों को लेकर फोकस कर रहा है। क्या ये माना जाए कि कहीं कुछ बड़ी चूक है जिससे निपटने की रणनीति उनके पास नहीं है और ठीक रहा दूसरों के सर फोड़ा जा रहा है? देखिए कवीन, जैसे कि एनके सिंह जी और शास्त्री जी ने कहा और इन्होंने भी, देखिए बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश में जो अपराधों की स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है, लेकिन अगर आप पहले जाइएगा तो आप देखेंगे कि देहली से लेकर साढ़ूपुर तक जो बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं, प्रदेश में कोई लॉ ऑर्डर की समस्या अचानक आज नहीं पैदा हुई है। जो पुलिस, जो 21वीं सदी की जो पुलिस खड़ी होनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश में, वो नहीं खड़ी हो पाई है। इन्होंने आते ही पहला फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ये हुआ कि जो जिस इलाके का है वहीं का रहेगा। ये पहले चंबल में फेल हुआ ये फार्मूला, क्योंकि डाकू समस्या के समय एक बड़ा कारण ये था, क्योंकि पूरे चंबल इलाके में लोकल कांस्टेबलरी थी और लोकल डाकू। आप कभी समझ सकते हैं कि इलाके के आदमी अपने किसी इलाके के गुंडे को निपट पाएगा? वो तो पुलिस का जो मनोबल था वो लगातार तोड़ने की कोशिश हुई है। सरकार चाहे बीएसपी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो, पुलिस इस तरह से जो है लगातार उत्तर प्रदेश की, कोई किसी का जूता पोछ रहा है, कोई और कर रहा है, जिस तरह से एक बड़ी संख्या वीआईपी सिक्योरिटी में लगी हुई है और हजारों हजारों गाँव में आपको मिलेगा पता लगा एक चौकीदार के भरोसे, तो ये स्थितियाँ बहुत ही नाजुक है। सबसे ज़्यादा दंगा उत्तर प्रदेश में हो रहा है अगर आप देखिए, और लॉ ऑर्डर की स्थिति निश्चित तौर पर डिटोरिएट हो रही, 20 करोड़ का ये प्रदेश है, यहाँ जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी नहीं है। और इस बात को, सच बात तो ये है कि विधानसभा ठीक से चलनी चाहिए थी, उसमें ये सारे सवाल उठते, लेकिन अगर आप गौर करिएगा कवीन जी तो पिछले 10 सालों में विधानसभा की हालत ये है कि जो राज्यपाल का अभिभाषण है वो 1 मिनट से ज़्यादा में नहीं हुआ है। शुरू करते हैं राज्यपाल जी और अंत करके और ख़त्म कर देते हैं। आप देखिए 130, 35, 40 दिनों तक जो है विधानसभा चलती थी, अब मायावती के पूरे कार्यकाल में सिर्फ 80 दिन चली विधानसभा, तो कुल मिलाकर के सदन नहीं चल रहा है, नौकरशाही का राज है पूरे स्टेट में और कोई बहस नहीं हो रही, कोई जवाबदेही नहीं है संसद, जवाबदेही विधानसभा में होनी चाहिए, सरकारों के पास रास्ता भी नहीं सूझ रहा। शास्त्री जी नहीं, मैं एक आपकी बात को एक जरा स्पष्ट जरूर करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भी शासन था, और ख़ास तौर से उस समय जब कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अपराधियों का स्थान या तो अंदर होगा या तो ऊपर होगा, तीसरा कोई उनके लिए स्थान नहीं था। तो ये एक शासन की धमक थी, इस प्रकार का एक मैसेज था, और अपराधी घबराते थे उत्तर प्रदेश में अपराध करने के लिए, और सबसे कम अपराध उस बीजेपी के शासनकाल में हुआ होगा, मैं ऐसा कह सकता हूँ। लेकिन आज बसपा का अभी शासन उत्तर प्रदेश ने देखा और अभी सपा का देखा, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि भयानक अपराध बढ़े हैं, तो ये पार्टी और पार्टियों के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। मुलायम सिंह जी किस प्रकार के स्टेटमेंट दिए थे, एक शिक्षक होकर के उन्होंने ऐसी बातें कही, एक शिक्षक ने समाजवादी पार्टी की स्थापना किया है, पर वो शिक्षक के शासन में शिक्षक क्या बोल रहा है ये देखिए, उनके सगे भाई बोल रहे हैं कि डकैती मत करो, छोटी मोटी चोरियां तो कर सकते हो, खुलेआम ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन हाँ दाल में नमक खाना चाहते हैं। अगर विधानसभा में चर्चा ही नहीं होगी तो तमाम बड़े मुद्दों पर एक आम राय और एक ऐसी नीति कैसे तैयार होगी जो प्रदेश को और प्रदेश की जनता को दुख दर्द से बाहर ले जाए? नहीं, ये बात सही है कि विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए,
लेकिन जिस तरह से प्रदेश की स्थिति है और जिस तरह से वहाँ के नेता समाजवादी पार्टी के मंत्री और नेता अपने एक तरह से डिक्टेटरशिप की भूमिका में आ गए हैं और सच्चाई को हमेशा इग्नोर कर रहे हैं, अस्वीकार करते हैं, तो इस पर कैसे बहस हो पाएगी और जनता के बीच में कैसे संदेश जा सकेगा? उसके लिए अगर धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर कर रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र का यह एक विधा है। और सिंह साहब, जो समाजवादी पार्टी की ओर से सफाई है, आपने सुना उसको, क्या ये माना जाए कि मूल मुद्दे पर फोकस करने की बजाय अभी भी सिर्फ ठीकरा फोड़ने का काम चल रहा है? नहीं, जब ऐसा होता है कि जब सरकार घिर जाती है तो डिनायल मोड में आ जाती है, और जब डिनायल मोड में, यही यूपीए 2 की भी हालत थी, डिनायल बोर्ड में जब आप आते हैं तो दूसरे पे आरोप लगा देते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन पे लगा देते हैं, किसी पॉलिटिकल फॉर्मेशन पे लगा देते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि साहब विपक्ष नेगेटिव कर रहा है, मीडिया उनके साथ हो गई है। ये बहुत सिंपल सा है और ये बहुत पुराना है। फैक्ट ये है कि आप देखें कि कल जो बजट पेश होने जा रहा है वो 2,40,000 करोड़ के करीब का है। पिछली बार एक भी टैक्स नहीं लगाया था, क्योंकि नई नई सरकार आई थी अखिलेश यादव ने, और हम लोगों ने भी माना कि शायद कुछ अच्छा करने का प्रयास हो, लेकिन हकीकत ये है कि अभी जब देखें तो स्टेट की माली हालत बहुत खराब है। लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है कि आप ताज्जुब करेंगे, इस समय पूरे यूपी में 20 करोड़ की जनता, जो अरविंद जी कह रहे थे, इस समय 1,65,000, जिसमें प्रोविंशियल आर्म्स कॉन्स्टेबलरी भी है, 1,24,000 की सिविल पुलिस है और करीब 36,000 पीएसी है, कुल मिला के 1,60,000, जबकि सेंक्शन पोस्ट इनकी 3,60,000 की है, आधे पे काम कर रहे हैं, और ये इसका पैसा का एक भाग देती है केंद्र सरकार। लेकिन आज तक चीफ मिनिस्टर को यह समझ में नहीं आया, आप प्रति लाख, राष्ट्र का, देश का एवरेज है करीब 150 प्रति लाख, 1,00,000 में 150 पुलिस होनी चाहिए, यूपी में 75 है, आधे में है, बिहार में 60 है, बिहार में थोड़ा सा और भी कम है, सबसे कम बिहार में है, जबकि श्रीलंका में, पाकिस्तान में 400 के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं बुरी तरह पुलिस की संख्या कम हुई है, लॉ एंड ऑर्डर का एक प्रॉब्लम हो सकता है। जो अरविंद ने कहा, सच बात यह है कि वो पॉलिसी गलत थी जिसमें कि आपने अपने लोगों को ये कहा कि नहीं साहब ये ट्रांसफर होकर अपने जिले के बगल वाले जिले में जा सकते हैं, अपने जिले में भी जा सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि वो अपने जिले में गया तो वहां का जो बदमाश था उस जाति का, उसने समझा कि अब तो सैया कोतवाल है, अब कोई दिक्कत नहीं है, लिहाजा अपराध बढ़ने लगे। इस बेसिक बात को चीफ मिनिस्टर समझ नहीं पा रहे हैं लगातार। और लॉ एंड ऑर्डर में ये प्रॉब्लम नहीं है कि संख्या कितनी है, क्वालिटी ऑफ क्राइम उस नेचर में कहीं स्टेट एब्सेंस तो नहीं है। जो बदायूं में हुआ उससे सीधा दिखाई दे रहा है कि राज्य की सत्ता कहीं है नहीं, इसकी वजह से मीडिया मुखर हुई और इसकी वजह से अपोजिशन पार्टीज मुखर हुई। संग्राम जी, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं ये समझना चाहूंगा कि बार बार जब बात आती है कि पुलिस बल कम है, या फिर यह कहा जाए कि बिजली को लेकर तमाम संयंत्र की कमी है, ट्रांसफार्मर्स उस ग्रेड के नहीं थे, क्या इस दिशा में पिछले सरकार जब बनी आपकी, उसके पास क्या बड़े कदमों की कोशिश की गई? विधानसभा का सत्र चलता है, क्या यहाँ पर कोई एजेंडा लाने की कोशिश, या फिर ये माना जाए कि पूरी की पूरी कवायद, आपने कहा कि कई सारी स्कीम्स जो हैं जो चलाई सरकार ने उसकी तरफ मीडिया ने ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया है, आपकी चाहे वो लैपटॉप बांटने की योजना हो, आपकी चाहे वो कन्याओं को पढ़ाने या फिर उनको स्कूल ले जाने की योजना हो, लेकिन सवाल ये है कि जब क्राइम बढ़ेगा तो ये तमाम उपलब्धियाँ कहीं ना कहीं हाशिए पर चली जाती हैं। मैंने अभी आपको एक दिल्ली का ध्यान देते हुए अपनी बात को रखा था कि दिल्ली में दिन दहाड़े ट्रैफिक पुलिस की हत्या हो जाती है, वो दिल्ली के लाइन एडेड समस्या नहीं है। फिर आपने दिल्ली की बात किया, माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो बड़े खस्ता हाल में उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था थी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता संभाले थे, ट्रांसफार्मर जल जाते थे महीनों में, उसको कोई देखने सुनने वाला नहीं था। इन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लग जाने चाहिए, आज कहीं भी ट्रांसफार्मर जलता है तो उन्होंने एक नंबर दिया, आप ट्रांसफार्मर खुद न ले जा करके सरकारी वाहन से ट्रांसफार्मर भेज करके उसको उतरवाते हैं, ले जाते हैं। संग्राम जी, आपको हम संख्या बता दे, इस समय आपको 13,000 मेगावाट चाहिए जबकि आपकी उपलब्धता सिर्फ 11,000 मेगावाट है। आपका ट्रांसफार्मर अगर लगा भी है तो बिजली की उपलब्धता नहीं है, जिसके लिए लगातार कोशिश होनी चाहिए थी और वो कोशिश नहीं हुई है, जिससे पावर जनरेशन हो रही है। जो आपके प्लांट हैं वो 40 के प्लांट लोड फैक्टर पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से जनरेशन नहीं हो रहा है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये सब प्रयास लगातार करते रहना चाहिए ताकि कम से कम बिजली उपलब्धता रहे, तो लॉ एंड ऑर्डर भी आपका सही हो जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर के भी कहे
और उत्तर प्रदेश देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और केंद्र का भी जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश के बारे में सोचे। और बार बार जो बिजली और कोयले की बात आई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलकर के भी और कहा भी, लेकिन कुछ बातें प्रोपेगेंडा के लिए कही जाती। जो उन्होंने कहा सदन की बात, सबसे ज्यादा उन्होंने सदन चलाया, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बहस हुई। और जो बार बार भारतीय जनता पार्टी गुंडा करती है, भारतीय जनता पार्टी ने उनके उठा के देख लीजिए, सबसे पहले उनका चेहरा अपने आप में साफ हो जाएगा कि कैसे लोगों को मंत्री बनाई थी भारतीय जनता पार्टी। संग्राम जी, मेरा बहुत सीधा एक आम आदमी के लिहाज से सवाल ये था कि क्या हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों की कमियों को बड़ा करके बताते रहेंगे, या फिर इस प्रोत से बाहर निकल कर असल समस्याओं की जड़ तक पहुंचेंगे, उसे खत्म करने का प्रयास होगा, एक सामूहिक प्रयास जो विधानसभा में तमाम दलों के साथ होना चाहिए। मैं एक बात बहुत ईमानदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार शपथ के बाद ही कुछ ऐसे मुद्दों को हल किया। अभी हमारे गरीब लड़का बीएड में पढ़ाई एडमिशन ले लेता था और पैसे के अभाव में उसकी पढ़ाई रुक जाती थी। ऐसे ऐसे 52,000 रुपए लड़कों के माफ किए, फिर प्रकृति। मैं खुद इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का महामंत्री रहा हूँ और आपके चाहे कन्या विद्याधन की योजना हो, हमारी 108 एम्बुलेंस की योजना को पूरे देश ने सराहा भी और आज गाँव में है। संग्राम जी, एक मेरा आखिरी आपने तमाम योजनाओं का जिक्र किया, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि अगर ये सब कुछ अच्छा था तो आपको नहीं लगता कि नतीजे उस तरीके से आने चाहिए थे लोकसभा चुनाव में, और कहीं बिजली या फिर क्राइम ये बड़ा मुद्दा बन गए और आपकी तमाम जो योजनाएं थी जो आपको लगता है या लोगों ने सराही वो दब गई, इसीलिए आपको उन पर फोकस करना चाहिए था जिसके चलते आपको नुकसान पहुंचा? माननीय नेताजी ने उसके बारे में बोला है, कहीं ना कहीं जो इस तरह की स्थितियां बनी हमें नहीं कहते, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर झूठा प्रचार भी देश के अंदर किया गया। चलिए संग्राम जी, आप लगातार उस बात से हटने को तैयार नहीं कि झूठा प्रचार किया गया, और यही जब बीएसपी सरकार थी और मीडिया उठाता था तो आप कहते थे कि नहीं देखेंगे, मीडिया तो सच दिखा रहा है, लेकिन जब आपकी सरकार है और वही सवाल खड़े कर रहा है मीडिया तो आप कहते हैं कि पक्षपाती हो रहा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन शास्त्री जी, दो चीजें हैं, केंद्र सरकार का दायित्व भी होगा क्योंकि अब केंद्र में उसकी सरकार और यूपी में अगर क्राइम बढ़ रहा है, बिजली संकट है, उसका एक अपना रोल होता है, किस तरीके से उस रोल को आप निभाएंगे, क्योंकि विधानसभा का सत्र जिस तरीके से चलता रहा जो कि अरविंद जी कह रहे हैं, बहुत यकीन मानिए कि कुछ उसी तरह की तस्वीर इस बार भी रहेगी। कविंद जी, आपके सवाल को थोड़ा सवार ऐड कर दूं कि यूपी से आपके अच्छे खासे विधायक आए, 72-71 आए हैं जी, सबसे ज्यादा सांसद यही से, सबसे ज्यादा 80 में अगर 72-71 आते हैं तो यूपी ने पूरी तरह से आपको समर्थन दिया। केंद्र के पास 7,600 मेगावाट का डिस्क्रिशनरी कोटा होता है, क्या 500 मेगावाट वहां से नहीं दिया जा सकता था? आपकी नैतिक जिम्मेदारी है बीजेपी की कि अगर जनता ने इतना वोट दिया है तो आज वो अखिलेश यादव की सरकार को बुला के गए कि भाई तुम्हारे यहाँ क्राइसिस है, हम डिस्क्रिशनरी कोटा से, और वो भी 7,600 मेगावाट है, आप 500-700-1,000 मेगावाट तो दे ही सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं कर रहे। देखिये सिंह साहब, इस संदर्भ में आपको शायद जानकारी होगी मीडिया के माध्यम से भी कि हमारे जो एनर्जी मिनिस्टर थे, पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, वो अपने तरफ से आगे बढ़ कर के प्रदेश की मदद के बारे में उन्होंने ऑफर भी किया था, जिसको एक तरह से प्रदेश ने अस्वीकार नहीं बल्कि उसको एक मजाक का भी विषय बनाया था। हमारा ये कहना है, हमारी जिम्मेदारी है, केंद्र की जिम्मेदारी है, क्योंकि केंद्र की जिम्मेदारी तो पूरे देश की व्यवस्था को भी देखने की जिम्मेदारी होती है, और जहाँ तक केंद्र की बात है, केंद्र इस मामले में संवेदनशील है और काम कर रही है। जैसे आप देखिए दिल्ली में जिस प्रकार से पावर की समस्या के बारे में बात उठी थी और बहुत हल्ला हुआ, यूपी पर मैं फोकस कर रहा हूँ, यूपी में किस तरीके से रोल निभाया, एक उदाहरण की बात कर रहा हूँ, जैसा कि संग्राम सिंह जी ने भी कहा था कि अभी हम बसपा की सरकार में बिल्कुल व्यवस्था खराब थी, दिल्ली में भी ऐसी थी, पर जो ही ये हुआ संकट आया दिल्ली में, हमारी सरकार के लोगों ने दिल्ली का एक तरह से पूरा मूल्यांकन किया, क्या स्थिति है उसका पूरा सही विवरण लिया, और लगभग 15 ऐसे स्थानों को ट्रेस आउट किया जहां की बिजली की ट्रांसफार्मर और तार बहुत पुराने समय से 25 सालों से बदले भी नहीं गए थे, वो सब की समस्या मेरे ख्याल से ये उसको, तो नहीं था उसको तीन या चार पांच दिनों के अंदर उसको ठीक करके यहाँ की बिजली व्यवस्था ठीक की जा सकती है। मेरा केवल इतना कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी अगर एक संवेदनशील और सचमुच में समस्या से जूझने वाले अगर सरकार होती
तो शायद वो कोई रास्ता निकालती। पिछली बातों को लेकर के क्यों रोने का, आप कह रहे रास्ता निकालती। मैं एक सवाल, शैलेंद्र कुमार हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद भी रह चुके। शैलेंद्र जी, जिस तरीके के हालात हैं, क्या ये माना जाए कि विकल्पों की कमी, रणनीति की कमी है और इसीलिए आपकी सरकार एक ऐसे दलदल में फंसती जा रही है जिसका नुकसान पिछले लोकसभा चुनाव में देखने को मिला और अगर विधानसभा चुनाव आगे कभी होते हैं तो शायद वहां पर मिले, लेकिन क्या इससे निकलने की कोई तैयारी, कोई रणनीति आपको दिख रही है, भले वो प्रोपेगेंडा हो, भले वो वास्तविक स्थितियां आपके अनुकूल न रही हों? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, उत्तर प्रदेश में जनता ने स्पष्ट मोहम्मद की सरकार दी है, कुछ सोच समझ के दिया है और सरकारें हमेशा मतलब कंटिन्यू नहीं रहती, कुछ सरकारें रहती बीच में बदलती हैं, ये तो जनता का फैसला है। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, पूरी तरीके से जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का भरसक प्रयास किया है और यही कारण है कि अभी जो आपके लोकसभा के चुनाव हुए, जनता ने कुछ नहीं देखा, ना तो प्रत्याशियों की तुलना देखा, ना तो सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को देखा और ना ही आपके स्थानीय तौर पे जो भी प्रत्याशी रहे हैं उनके कार्यों को नहीं देखा कि उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया। और एक तरफ से बस मोदी, अब की बार मोदी सरकार के नाम पे उन्होंने वोट दिया। जहां तक आपने देखा होगा कि ये बात सही है कि हम लोग भी जब अपोजिशन में रहते हैं तो सरकार की तमाम बुराइयों को उजागर करते हैं, ये तो प्रतिपक्ष का अपना एक अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि झूठे प्रोपेगेंडे, नारे, ये सब दे के शासन सत्ता में आई, मेरी तो शुभकामनाएं हैं, साल छह महीने भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार केंद्र में बनी है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि संघीय ढांचे में सभी प्रदेशों को, जैसे मोदी जी ने कहा कि हम सबको लेके चलेंगे, मैं यही कहना चाह रहा था शैलेंद्र, क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार आपको कोई मदद देकर आपको इस रेस्क्यू करेगी या फिर आपको ये नहीं लगता है कि वो उस दलदल में आपको फंसने के लिए छोड़ेगी और एक अच्छे मौके का इंतजार करेगी? क्यों ऐसा मौका आप दे रहे हैं, क्यों उसे बाहर निकलने की कवायद नहीं दिख रही? देखिए, हम मौका इसलिए कि ये एक स्वच्छ लोकतांत्रिक परंपरा है कि जब कोई भी नई सरकार आए, किसी दल की आए, तो कम से कम उस सरकार को छह महीने का मौका देना चाहिए। जहां तक अभी बिजली की बात में देखा, नहीं, यहां तो आपकी सरकार की बात हो रही है, आप अपनी सरकार के बारे में जिक्र करें तो ज्यादा बेटर होगा। नहीं, मैं अपनी सरकार के बारे में मैं बता रहा हूं कि नहीं, दो साल आपकी सरकार का राजनाथ सुनकर शास्त्री जी बोल रहे हैं, ये उनका सवाल है। शैलेंद्र, ये विजय सुनकर शास्त्री जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि भाई आप अपनी सरकार की बताएं, हमारी सरकार तो अभी भी आई है। मैं अपनी सरकार के बारे में ही बता रहा हूं, मैं अपनी सरकार के बारे में कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार ने जो लागू किया है, मेरे ख्याल से, मैं तो कांग्रेस में भी था, बहुत सरकारों को मैंने देखा है, ऐसी कल्याणकारी योजनाएं कभी आज तक नहीं लागू हुई, जनता ने चाहे दिया हो या ना दिया। नहीं, मुख्य रूप से जो प्रदेश में बलात्कार हो रहा है, अपराध हो रहा है, उसके बारे में बताएं। वक्त कम है, मैं अरविंद जी आपसे समझना चाहूंगा, बलात्कार और ये सब जो अपराध हो रहे हैं, ये केवल समाजवादी पार्टी में नहीं, अन्य सरकारों में भी हुए हैं जी। आज बहुत से ऐसी पार्टियों की सरकार थी जिनके बहुत से नुमाइंदे जो है जेलों में हैं, उनपे मुकदमे भी चल रहे हैं। शैलेंद्र जी, ये सच्चाई है कि तमाम राज्यों में ये रोग है, लेकिन सवाल ये भी है कि इसे रोकने की कवायद कैसी हो रही है, इसे रोकने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका इंप्रेशन कैसा, ये भी एक बड़ा सवाल था। क्या कर रहे हैं? मैं एक आखिरी सवाल लूंगा अरविंद जी से। अरविंद जी, कोई भी सरकार या कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेगा कि उसके बारे में एक दुष्प्रचार हो या फिर उस पर आरोप लगे कि वो अक्षम है या वो जानबूझकर ऐसी गलतियां करे कि इस तरह के हालात पैदा हों, तो आखिर समाजवादी पार्टी सरकार की आप क्या बड़ी मजबूरी देख रहे हैं या बड़ी दिक्कत देख रहे हैं जिसके चलते वो इस पूरे वातावरण से बाहर नहीं निकल पा रही? देखिए कविन जी, जो एक सबसे बड़ी बात है, जब अखिलेश यादव आए तो बड़ी उम्मीदें थी लोगों को कि एक नौजवान हैं, ये काम करेंगे, और अखिलेश ने कई चीज़ें जो है उसको करने की कोशिश भी की, जिसमें उनका पहला था कि सदन कम से कम 90 दिन चलाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें की। लेकिन सच्चाई ये है कि वो सारे मामलों में फेल हुए, और जो सबसे बड़ी बात आई उनके सामने कि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री नहीं, लगभग हर जिले में एक मुख्यमंत्री है और उनके परिवार के अपने खुद ही कई मुख्यमंत्री हैं। तो प्रशासन पर जो एक जो जैसे अभी सोनकर शास्त्री जी ने कहा कि कल्याण सिंह की जब सरकार आई तो उस समय वो भी बहुमत की सरकार थी, और कल्याण सिंह ने लॉ ऑर्डर की दिशा में बहुत फोकस करके सारे पुलिस अधिकारियों को हायरार्की के साथ एक ताकत दिया था, और हम लोगों ने उस समय देखा था कि सचमुच एक बार एक बदलाव नज़र आया था।
अखिलेश ने थोड़ी बदलाव की जो ले आने की कोशिश की कुछ फील्ड में, लेकिन धीरे धीरे करके पूरी हायरार्की टूट गई। जो एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से चलता नहीं, एक सिपाही एसपी को डिक्टेट करने लगा है, ब्यूरोक्रेसी का जो एक ढांचा था वो चरमरा गया, कोई किसी का पैर छू रहा है, कोई किसी का पैर छू रहा है। जो पूरे प्रशासन का जो उत्तर प्रदेश लीड करता था देश को राजनीति में, जो उत्तर प्रदेश का जो विधायिका है, जो संसद जो विधानसभा के दोनों सदन हैं जी, उनमें जो एक से एक जो कार्रवाइयाँ हुई उसकी नकल हुई है, उसकी जो तमाम समितियाँ हैं उसकी नकल हुई है देश भर में, राजेश टंडन से लेकर के और जो है बाबू बनारसी दास तक ऐसे ऐसे स्पीकर हुए जिन्होंने दिए। तो जब आप विधानसभा देखिए उत्तर प्रदेश में कवीन, तीन विधानसभा की ऐसी बैठकें हुई ज्वलंत सवालों पर जो गोपनीय थी, और उनमें एक से एक महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। आज जब चर्चा नहीं होगी निदान नहीं निकलेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि की सबसे ज्यादा हत्याएं भी उत्तर प्रदेश में हुई। अगर आप देख लें ये अकेला प्रदेश है जहां इलेक्टेड जब रिप्रेजेंटेटिव मर रहे हैं तो आम आदमी की तो कोई पूछने वाला नहीं। तो मुझे लगता है कि किसान नाराज है, 10,000 करोड़ का तो गन्ना किसानों का बकाया है। मजदूर नाराज है, मिलें बंद होती जा रही इस प्रदेश में। एजुकेशन में आप देख लीजिए भयानक अराजकता है, पूरे के पूरे जो है पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश को जिस मजबूती के साथ जो दिशा देने की जरूरत थी अखिलेश यादव उसमें विफल रहे हैं। और सत्ता के कई केंद्र होने का एक खामियाजा भी है। और जो जैसे कि आपने बड़े मुद्दे गिनाए, असल में अगर चलता है विधानसभा का सत्र सही तरीके से और सार्थक तरीके से बहस होती तो तमाम मसलों का हल मैं कह सकता हूँ कि निकल सकता है एक आम राय के जरिए। लेकिन विरोध अपनी जगह है और विरोधी दल सरकार को घेरने में लगे हुए हैं और सत्ता पक्ष आरोपों के सहारे उनको दरकिनार करने में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस मसले पर चर्चा में जुड़ने के लिए। और यह थी हमारी आज की पहली खबर।